वेलकम बैक गायज एंड टुडे वी हैव समथिंग वेरी वेरी स्पेशल टू डू सो आज हम ऐसे पांच क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं जो हमेशा मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर या फेसबुक ग्रुप के ऊपर मुझे हमेशा दिखते हैं तो आई डिसाइडेड कि क्यों ना मैं आज की जो ये वीडियो है या जो भी ऑडियो है या जो भी लाइव है जहाँ पे भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस विद एवरी सिंगल वन कि मैं उनके बारे में क्या सोचता हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन बार बार अराइज होते हैं सो आई एम गोना आंसर फाइव क्वेश्चन जो इस ड्रॉप शिपिंग या शॉपिफाई से रिलेटेड हैं और हमेशा हर एक बिगनर इन क्वेश्चन के बारे में मुझसे पूछता है तो सो वेलकम एवरी वन हु इज़ ज्वाइनिंग राइट नाउ सो जी आई आलकम एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द नंबर वन क्वेश्चन विच आई रिसेंटली आंसर्ड इन वन ऑफ द यू नो दीसेंट वीडियोज जो मैंने रिकॉर्ड करी थी जो कि है कि इस ड्रॉप शिपिंग डेड इन 2020 तो इसका शॉर्ट आंसर है नहीं और कई लोगों के लिए इसका आंसर यस yes हो सकता है उन लोगों के लिए यस yes है जो शॉर्ट टर्म में ड्रॉप शिपिंग सोच रहे हैं बिकॉज 2016 में और 15 में एक्चुअली जब ये ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था तो इट वाज वेरी वेरी इजी इट वाज अ लो हैंगिंग फ्रूट जिसकी वजह से जो मेक मनी ऑनलाइन की जो पूरी की पूरी कम्युनिटी है जो कि पूरी की पूरी नीश है वो सब लोगों ने इसके ऊपर जंप किया और देखा कि अरे फेसबुक के ऊपर तो बहुत सस्ती एड्स चल रही हैं पाँच डॉलर की एड्स चलाने से ही वी आर गेटिंग टू और थ्री सेल्स तो सब लोगों ने इसे ज्वाइन करना शुरू किया बट स्लोली जैसे ही कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव होती है तो एक बबल बनता है और एक वो बबल बर्स्ट होता है तो ये सेम सिनेरियो हुआ 2016 में बहुत अच्छा बूम हुआ 2017 में भी इट वाज वर्किंग रियली रियली गुड बट इवेंचुअली जब बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स ऐड हुए बहुत ज़्यादा लोग ऐड हुए तो इको में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया जिसकी वजह से आ, ये थोड़ा सा टफ़ हो गया ये, लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा हो गया जो लोग इसे बिज़नेस की तरह लेना चाहते थे सो फॉर एग्ज़ाम्पल कई लोग इस बिज़नेस को सिर्फ़ इस वजह से करना चाहते थे कि वो इंस्टेंटली सेल्स देख पा रहे थे उन्हें ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ता था और अब सिर्फ वो लोग यहाँ रुक रहे हैं जो सही में किसी तरीके की वैल्यू देना चाहते हैं जो सही में लॉन्ग टर्म में टेस्टिंग करना चाहते हैं तो ड्रॉप शिपिंग उन लोगों के लिए डेड हो गया जो लोग शॉर्ट टर्म में देखना चाहते थे कि हमें शायद हम दो या चार दिन ट्राई करें और हमारे पास पैसे बनने लग जाएं या एक हफ्ता या डेढ़ हफ्ता बट अब उन लोगों को सक्सेस मिल रही है जो लॉन्ग टर्म में करना चाह रहे हैं और लॉन्ग टर्म के साथ एक अच्छी अच्छा प्रोडक्ट अच्छी वैल्यू अच्छा एक्सपीरियंस देना चाह रहे हैं सो ड्रॉप शिपिंग इज नॉट डेड इट इज़ ओनली डेड फॉर दोज गाइज आर एक्चुअली नॉट रेडी टू गो फॉर अ लॉन्ग रन बिकॉज इट इज अ बिजनेस इट इज़ नॉट अ मनी मेकिंग शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी इट इज नॉट इट इज नॉट द काइंड ऑफ अ बिजनेस जो आप आज करो या दो घंटे करो या चार घंटे करो एंड यू यू कॉल इट ऑफ ड्रॉप शिपिंग एज अ कॉन्सेप्ट इज नॉट डाई एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट ड्रॉप शिपिंग का ये कभी मरने नहीं वाला ये हमेशा रहेगा बट इसके जो तरीके हैं इसको इसे करने का जो तरीका है इसकी इसकी जो वैल्यू प्रोपोजिशन है वो चेंज होती रहेगी जो 2016 में बहुत कम थी आ, आप वैल्यू इतनी नहीं भी दे रहे थे तब भी यू आर एक्चुअली मेकिंग मनी बट नाओ यू हैव टू एक्चुअली यू नो प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वैल्यू प्रोवाइड अ गुड लाइक प्रोवाइड गुड कस्टमर सर्विस और अगर आप ये सारी चीज़ें दे सकते हो तो ड्रॉप शिपिंग आपके लिए 2020 हो या 2021 हो या बियॉन्ड दैट या ना पाँच साल के बाद भी ड्रॉप शिपिंग डेड नहीं होगा एंड इट्स अ वेरी वेरी लोकरेटिव मॉडल बिकॉज आपको कहीं पे भी इन्वेंट्री होल्ड नहीं कर पा रही और आ, करनी पड़ रही और आप एक्चुअली उसको टेस्ट कर सकते हो कोई भी प्रोडक्ट को बिफोर एक्चुअली बाइंग इन्वेंट्री और बिफोर इवन गोइंग फुल स्विंग ऑन ऑन अ यू नो ऑन अ नीश ऑन अ प्रोडक्ट विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड अगर आप कोई भी नॉर्मल बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाहोगे जैसे आप अगर मान लो कोई शॉप खोलते हो फिज़िकल शॉप खोलते हो यू हैव टू इन्वेस्ट टेन ट्वेंटी फिफ्टी लैक्स आई और अगर यू में करना है तो दस बीस तीस या चालीस हज़ार डॉलर आप मान के चल सकते हो उसके बाद आपको पता चलता है कि वो बिज़नेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है यहाँ पे आप वो बहुत शॉर्ट फ्रेम में आप निकाल सकते हो उसका आंसर सो so ये बहुत ही मतलब ये बार बार क्वेश्चन मेरे पास आता है तो आई थॉट कि इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ज़्यादा जरूरी है एंड आई होप इससे कुछ लोगों को पता चला हो कि क्या है एक्चुअली यू नो और अब सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेकेंड क्वेश्चन हमेशा मेरे पास ये आता है कि क्या बजट चाहिए और ये हमेशा हर एक न्यूबी का अगेन ये क्वेश्चंस वो हैं जो बहुत बेसिक्स हैं लेकिन ये हमेशा आएंगे आज भी आएंगे कल भी आएंगे अगर एक महीने बाद भी अगर कोई लोग ज्वाइन करेंगे इसको आ, मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करेंगे यूट्यूब पे ज्वाइन करेंगे फेसबुक पे ज्वाइन करेंगे उन सबका सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि मैं क्या बजट रखूँ तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ जब मैंने शुरू किया था तो मैंने वन तो एक जगह पर एक मास्टर एक कोर्स के अंदर इन्वेस्ट किए थे उसके बाद मैंने एक हज़ार डॉलर के आसपास ही अपने पास बैकअप रखा था और मेरे पास तीन से चार क्रेडिट कार्ड थे जिनके पास थाउजेंड थाउजेंड डॉलर के आसपास का उसके अंदर एक्चुअली मेरे पास बैकअप था तो मैं पहले तीन महीने तक हमेशा नेगेटिव वन लाख चला था तो अगर मैं उसका अगर अभी भी उसका विश्लेषण करूं या उसको एक्चुअली कोलैबोरेट करूं सब चीज़ों को तो मैं बोलूंगा कि उस वक्त भी मुझे दो से तीन लाख रुपए की ज़रूरत पड़ी थी टू मेक दिस पर्टिकुलर बिज़नेस वर्क फॉर मी रीजन बीइंग कि मुझे इस बिज़नेस का ए बी सी डी मुझे ना मुझे फेसबुक एड्स का बारे में कुछ मालूम था ना मुझे शॉपिफाई का डैशबोर्ड कुछ मालूम था ना मुझे प्रोडक्ट रिसर्च आती थी ना मैं मुझे ये पता था सी पी सी क्या होती है सी टी आर क्या होता है ए टी सी क्या होती है परचेज़ क्या होता है कन्वर्जन रेट क्या होता है एक्चुअली ये सब चीज़ें तो मुझे छः महीने बाद मालूम पड़ी हैं और उसके मतलब छः महीने तक करने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि ये चीज़ें भी होती हैं तो बजट में इसके दो तरीके हैं बजट के अगर आप ट्वेंटी ट्वेंटी में देखते हो और ये मैं ये नहीं बोल रहा कि ये राइट तरीका है मैं ये भी नहीं बोल रहा ये गलत तरीका है ये तरीका वो है जो मुझे लगता है कि सही है हर लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होंगे तो अगर आप नए हो और पहली बार इस बिज़नेस को शुरू कर रहे हो तो आप मान के चलो कि आप 20 से तीस हज़ार रुपये हर महीने डेली किसी साइड हसल से बनाओगे डेली नहीं एक्चुअली मंथली डेली बनाओगे तो आपको शायद इस बिज़नेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सो so, हर महीने आपको एटलीस्ट ट्वेंटी टू थर्टी थाउजेंड किसी तरीके से जनरेट करना है और फॉर फाइव टू सिक्स मंथ्स या अप टू एट मंथ्स का हासिल करना है जिसमें आप ये सब चीज़ें सीखोगे किसी महीने आप फेसबुक एड्स को करना सीखोगे किसी महीने आप सीखोगे कि आपको शॉपिफाई uh, को कैसे यूज करना है और स्लोली स्लोली लाइक टेन परसेंट फाइव परसेंट आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा आपकी नॉलेज का एंड आफ्टर सिक्स टू एट मंथ्स यू विल सी सम ट्रैक्शन गोइंग ऑन सम रिजल्ट्स गोइंग ऑन बिफोर दैट अगर आपको कोई रिजल्ट चाहिए आप चाहते हो नहीं या मुझे तो इंस्टेंटली रिजल्ट चाहिए या मुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए इंस्टेंटली तो नहीं मिलेंगे बट अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं उसका सिर्फ एक ही तरीका है यू नीड टू यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी यू हैव टू हैव अ बजट ऑफ समवेयर अराउंड टेन थाउजेंड डॉलर्स और फाइव टू टेन लैख रुपीज़ इन योर पॉकेट और विच इज़ नॉट वायबल एट ऑल फॉर बिगनर्स फॉर श्योर तो बिगनर्स के लिए मेरे पास सिर्फ यही एडवाइस है कि आप गेट अ जॉब बिकॉज जब मैं कर रहा था मेरे पास एक जॉब थी और उसके अलावा मैं वेबसाइट सेल करता था पी बी एन एक्सपायर डोमेन सेल करता था जहाँ से मुझे थाउजेंड टू टू थाउजेंड डॉलर्स के आसपास की इनकम जनरेट होती, होती थी और उस पैसों को मैं री इन्वेस्ट करता था प्लस मेरे पास एक मेरी जॉब थी प्लस मेरे पास क्रेडिट कार्ड थे तो वो सारी चीज़ें इकट्ठी होकर मेरे को किसी तरीके का कैश फ्लो जनरेट करके दे रही थी और आफ्टर थ्री मंथ्स आई वॉज एबल टू एक्चुअली मेक इट वर्क तो कोई भी नया बंदा इसे अगर शुरू करना चाहता है तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाने जरूरी हैं विद अ कॉन्स्टेंट कैश फ्लो गोइंग ऑन इन योर बिजनेस इफ़ यू आर अ बिगनर और अगर आप इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ मनी देन इन्वेस्ट इन टू मेंटर और हु यू लाइक एंड यू एक्चुअली यू नो यू कैन कोरिलेट टू एंड यू हैव द मनी सो इन्वेस्ट इन दैट बट अगेन बाय नो मीन्स ये इन्वेस्टमेंट से आप मान के चलो कि आपका आर ओ आई आ जाएगा राइट right अवे आपका आर ओ आई नॉलेज के मामले में तो डेफिनेटली आएगा बट इन टर्म्स ऑफ मनी आई वोंट रिकमेंड इट अगर आप ये सिर्फ मेथड से सोचते हो बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है बिगनर्स के दिमाग में आता है मैं भी जिस समय बिगनर था तो मुझे भी आता था क्योंकि मैं अगर चलो अगर मैं पाँच हज़ार रुपये आज खर्च रहा हूँ या वन हंड्रेड डॉलर आज खर्च रहा हूँ तो मैं कितना रिटर्न बना लूँगा ऑन ऑनिस्टली स्पीकिंग मैं ये बोलूँगा कि आप कुछ भी नहीं रिटर्न बनाओगे शुरुआत में इट कौन अब जीरो अगर आपकी एड्स ही बन जाएँ उस दौरान इतने पैसे इन्वेस्ट करने के बाद वही बहुत है तो बजट की जब भी बात होती है तो हमेशा लॉन्ग टर्म अप्रोच लेके चलो अगर बिगनर हो और अगर अगर पैसा है बहुत ज़्यादा एंड यू आर एक्चुअली वन ऑफ दोज गाइज हुआ आर रिच फिलती रिच देन आई रिकमेंड की टेक हेल्प फ्रॉम सममन हु इज़ डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है मेरे पास वो आता है कि फेसबुक एड्स वर्सेज गूगल एड्स बिकॉज अभी रिसेंटली गूगल एड्स का बहुत ज़्यादा यू नो क्रेज़ आया है लास्ट दो साल के अंदर और मैंने भी अपनी गूगल मास्टर क्लास लॉन्च करी और रिसेंटली उससे पहले ग्रुप मेंटरशिप तो ये एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा बट जस्ट टेलिंग यू कि बिकॉज इट वॉज एक्चुअली वन ऑफ दोज थिंग्स जो uh, एक अर्ली uh, स्टेज पे थी जिसको यूज़ करना चाहिए सबको अभी भी करना चाहिए गूगल एड्स इज़ वन ऑफ दोज पॉइंट्स बट ऐसा नहीं है कि फ़ेसबुक एड्स बेटर हैं और ऐसा भी नहीं है कि गूगल एड्स बेटर हैं दोनों की अपनी अपनी जगह हैं दोनों की मार्केटिंग का तरीका अलग है दोनों की मार्केटिंग जो होती है उसका उसका जो परसेप्शन है फेसबुक के ऊपर इंटरप्शन बेस्ड मार्केटिंग हो रही है गूगल के ऊपर इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग है लोग सर्च करते हैं तो दोनों की अपनी अपनी जगह हैं बिकॉज अभी जब पीक लॉकडाउन चल रहा था ड्यू टू यू नो सर्टेन स्पेशल कंडीशन विच वी ऑल आर अवेयर अबाउट जो लॉकडाउन के समय हुई उस वक्त कई ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिनकी डिमांड बढ़ गई उस वक्त गूगल एड्स का यूज़ होना बहुत पावरफुल था और उस वक्त जिन लोगों ने गूगल ऐड्स यूज़ करी हैं उस वक्त ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गई तो फेसबुक एड्स और गूगल एड्स अपनी अपनी जगह दोनों पावरफुल हैं फेसबुक एड्स बहुत स्केलेबल हैं as वेल एज गूगल ads डिपेंड्स upon द niche डिपेंड्स upon द मार्केट एंड डिपेंड्स upon द सिचुएशन अब इसके अलावा लोगों के जो दूसरे क्वेश्चन होते हैं उसमें एक और क्वेश्चन है कि यू एस ए ड्रॉप शिपिंग या इंडिया ड्रॉप शिपिंग बिकॉज एज माई ऑडियंस इज मोस्टली बेस्ड आउट ऑफ इंडिया और इंडिया के कई लोग मुझे देखते हैं तो मैं मेरे पास हमेशा लोग पूछते हैं कि सर हम क्या इंडिया की ड्रॉप शिपिंग करें या यू एस में करें तो सब सबसे पहले मैं इंडिया ड्रॉप शिपिंग के मतलब आई डोंट गेट इट इंडिया ड्रॉप शिपिंग एफिशिएंट है मैं ये मानता नहीं हूँ कि ये एफिशिएंट है इंडिया में ई e कॉमर्स करना इज़ वेरी वेरी लोक्रेटिव बिकॉज आप सब चीज़ें जो होती हैं जो प्रोडक्ट होता है उसको ओन कर सकते हो आप डेमोग्राफिक को समझते हो आप ऑडियंस को समझते हो इंडियन ऑडियंस को समझते हो और यूएस में आपको ये चीज़ें समझनी पड़ती हैं दोनों के अपने अपने एडवांटेज हैं तो जो बिगनर्स हैं उनको मैं पर्सनली ये एडवाइस जरूर दे सकता हूँ कि अगर आपके पास बहुत कम फंड्स हैं और आप बहुत लिमिटेड बजट के साथ बिजनेस शुरू करना चाहते हो और शॉपिफाई समझना चाहते हो फेसबुक ऐड समझना चाहते हो या गूगल ऐड समझना चाहते हो ई कॉमर्स के लिए और लॉन्ग टर्म में आप ई कॉमर्स करना चाहते हो एंड बाय लॉन्ग टर्म आई मीन फाइव टू टेन इयर्स तो आप इंडिया से शुरू करो डेफिनेटली आप इंडिया से शुरू करो क्योंकि वहाँ पे आपकी जो स्पेंडिंग होगी बिकॉज इंडिया का सी पी एम जो है वो बहुत ही सस्ता है एज कम्पेयर टू यू एस जहाँ आपको US में दस डॉलर का सी पी एम देना पड़ेगा इंडिया में आपको डेढ़ से दो डॉलर का सी पी एम देना पड़ेगा तो वो कम्पेरेटिवली बहुत सस्ता है तो आप उसमें टेस्टिंग ज़्यादा कर सकते हो आप अपनी मार्केट को टेस्ट कर सकते हो दो दोनों की एडवांटेज U.S. की भी अपनी एक एडवांटेज है और इंडिया की भी अपनी एक एडवांटेज है और U.S. की भी अपनी डिसएडवांटेजेस हैं और इंडिया की भी हैं तो इंडिया में जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज जो आती है वो आता है सी मॉडल इंडिया का और जो सी मॉडल है इंडिया का वो वो ही एक सबसे बड़ा पेन है इंडिया के लिए तो आई रिकमेंड कि आपको आपको अगर लिमिटेड बजट के साथ शुरू करना है देन गो विद इंडिया लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं लॉन्ग टर्म में करूँगा और मुझे डॉलर्स पसंद हैं आई लाइक डॉलर्स देन गो फॉर गो फॉर दिस यू एस ए ड्रॉप शिपिंग विच इज़ विच आई हैव डूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ तो अब एक लास्ट क्वेश्चन जो कि एक्चुअली क्यू फोर से रिलेटेड है विच इज़ वॉट टू सेल इन क्यू फोर तो इसके ऊपर मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी Q4 के ऊपर आप कौन से प्रोडक्ट्स बेच सकते हो बट अगर मैं आपको इजी तरीका बताऊं कि अगर आपको किसी भी टाइम कोई भी चीज़ के बारे में फाइंड आउट करना है कि इस समय इस सीज़न में कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है देन आई विल रिकमेंड यू जस्ट लुक अप फॉर कि क्या टाइम चल रहा है तो क्यू फोर इज़ ऑल अबाउट क्रिसमस अगर आप यूएस की बात करते हो और इंडिया की बात करते हो तो इट्स ऑल अबाउट यू नो दिवाली एंड ऑल दोज फेस्टिवल्स जो आएंगे हमारे पास और इंडिया में भी क्रिसमस मनाते हैं लुक फॉर द प्रोडक्ट्स विच लाइज अंडर दिस कैटेगरी तो क्यू फोर में यू एस के अंदर स्वेटर्स बहुत बिकते हैं हुडीज़ बहुत बिकती हैं गिफ्टिंग आइटम्स बहुत बिकते हैं सिमिलरली इन इंडिया तो इंडिया में लोग एल ई डीज़ बेचते हैं लैम्प्स बेचते हैं और इंडिया में तो यू नो आज कल लाइक हो इंडियन मेड कई चीज़ें आ चुकी हैं तो दिवाली पर लोग वो बेचते हैं गिफ्टिंग चीज़ें होती हैं चॉकलेट्स होती हैं ये सारी चीज़ें बेचते हैं तो जस्ट लुक फॉर दोज थिंग्स जब भी अगर मान लो जनवरी या फेबर आ रहा है तो लुक फॉर कि क्या आ रहा है कौन सा सीजन आ रहा है फेबर इज वैलेंटाइंस डे तो पिकअप प्रोडक्ट्स विच आर एक्चुअली यूजली सेल्स गुड ऑन ड्यूरिंग दिस वैलेंटाइंस डे विच इज फ्लावर्स टेडीबीर्स सॉफ्ट एटसेट्रा एटसेट्रा रोजेस तो इट्स जस्ट कॉमन सेंस अगर थोड़ा सा हम दिमाग लगाएं हाँ ड्यूरिंग सम लाइक बाकी जो रेस्ट ऑफ द ईयर होता है उसमें आप बहुत से प्रोडक्ट्स बेच सकते हो ड्रोन्स बेच सकते हो आप या कोई भी किसी चीज़ का ट्रेंड चल गया फॉर एग्जांपल फिजट स्पिनर 2017 का जो मैंने बहुत अच्छी तरीके से मुझे याद आया आई विद विद द हेल्प ऑफ माय फ्रेंड प्रशांत आई एक्चुअली मिल्क दैट प्रोडक्ट टू सिक्स फिगर्स इन टू आई विल ब्रिंग माई फ्रेंड प्रशांत इन वन ऑफ द पॉडकास्ट डेफ़िनेटली uh, तो उसके साथ बहुत ही अच्छी डिस्कशंस होंगी बिकॉज उसके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे साथ काम करने का और uh, हम दोनों ने इकट्ठे काम किया था एंड वी वी डेड लाइक गुड लाइक गुड नंबर्स टुगेदर तो सो डेफिनेटली बट ही इज़ नॉट वर्किंग विद मी एनी मोर एंड ही इज़ लाइक डूइंग सम रियली इंक्रेडिबल वर्क इन वीडियो एडिटिंग एटसेट्रा बट या दैट समथिंग एल्स सो गाइज आई थिंक ये पाँच क्वेश्चन जो मैंने अभी आंसर किए हैं Uh, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बार बार आते हैं तो आई थॉट ऑफ यू नो लेट मी शेयर इट विद एवरी वन सो दैट अगली बार ये क्वेश्चन जब आएँ तो आई कैन एक्चुअली री डायरेक्ट पीपल टू दिस पर्टिकुलर यू नो वीडियो एंड उन लोगों को इन चीज़ों के आंसर मिले आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक इट यू नो वॉट टू डू एंड दैट्स इट